राजस्थान के बाबा बालकनाथ का वीडियो वायरल। नशीले पेड़े खिलाकर लड़की के साथ की गंदी हरकत। अब बालकनाथ को ढूंढ रही है पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इन दिनों राजस्थान में वीडियो वायरल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है वो हर किसी को चौंका रहा है, क्योंकि इसमें राजस्थान के बाबा बालकनाथ एक लड़की के साथ गंदी हरकत करते नजर आ रहे हैं। खुद को बाबा बताने वाला ये ढोंगी तंत्र विद्या से समस्या दूर करने की बात कहकर बलात्कार करता है। रूह कपाने वाली इस वीडियो को देखकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भगवा कपड़ा पहने बाबा एक लड़की को गलत तरीके से छू रहा है और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। इस वीडियो के पीछे की कहानी आपको चौंका देगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला शिकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके से सामने आया है। इस वीडियो में लक्ष्मणगढ़ तहसील स्थित क्षेत्रपाल खेड़ी दंतुजला मंदिर के बाबा बालकनाथ नजर आ रहे हैं, जो कि बेहोश हुई एक लड़की के साथ गंदा काम कर रहे हैं। आप पहले वायरल वीडियो देखिए। तो देखा आपने, लड़की के साथ गंदा काम करने वाला ये आदमी खुद को बाबा बालकनाथ कहता है और इस तरह लड़कियों की इज्जत लूटता है, धर्म का नाम खराब करता है। अब इस वीडियो के पीछे की पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। वीडियो के पीछे की पूरी कहानी पीड़िता ने बताई है। पीड़िता पुलिस के पास पहुंची और उसने बताया कि मैं 12 महीने पहले मंदिर क्षेत्रपाल खेड़ी दंतुजला लक्ष्मणगढ़ पूजा करने गई थी। वहां पर मुझे राजेश नाम का लड़का मिला। उसने मुझे बाबा बालकनाथ से मिलवाया। बालकनाथ ने मुझे प्रसाद दिया और कहा कि प्रसाद से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आगे पीड़िता ने कहा, 12 अप्रैल 2022 को मैं शिकर में एक निजी कॉलेज में परीक्षा देने आई थी। परीक्षा देकर जब मैं कॉलेज के बाहर खड़ी थी तो बाबा बालकनाथ एक गाड़ी लेकर वहां आए। बाबा ने मुझे गांव छोड़ने के बहाने गाड़ी में बैठा लिया और रास्ते में पेड़ा खाने को दिया। आगे उसने कहा, पेड़ा खाने के बाद मैं बेसुध हो गई। इसी बीच बाबा ने अपने ड्राइवर योगेश को कहकर रसीदपुरा से आगे निकलते ही भुकरों के पास मंदिर जाने वाले रास्ते पर घुमा दिया। सुनसान रास्ते में गाड़ी को रोक दिया और बाबा बालकनाथ ने मेरे साथ गाड़ी में बलात्कार किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि क्योंकि उसने पेड़ा खाया था जो कि नशीला पदार्थ से बना था, इसलिए वो विरोध नहीं कर पाई। बाबा बालकनाथ एक घंटे तक गाड़ी में रहा और इस दौरान आरोपी बाबा बालकनाथ ने पीड़िता के साथ कार में 3 बार जबरदस्ती बलात्कार किया। इस दौरान बाबा बालकनाथ का ड्राइवर योगेश वीडियो बना रहा था। इसके बाद आरोपी बाबा और योगेश ने पीड़िता को धमकी दी कि इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वो लोग उसके परिवार को खत्म कर देंगे और वीडियो वायरल कर देंगे। इस मामले में पुलिस ने पूरी जानकारी दी है, उनका बयान सुनिए। हमारे पास एक फाइल आई है CO साहब सिटी के ऑफिस से, जिसमें आप बता रहे हैं ऐसा एक मामला है। ये फाइल आज ही हमारे पास आई है और इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन हम शुरू कर रहे हैं। क्या मामला है? मामला है, पीड़िता ने एक खेड़ी दंतुजला लक्ष्मणगढ़ में कोई बाबा हैं, उनके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके इसमें कितने आरोपी हैं? इसमें बाबा के साथ और आरोपी हैं एक दो, तो वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। किस तरह का क्या मामला दर्ज करा, कैसे मामला? तो मैंने जैसा आपको बताया अभी शुरुआती स्टेज में है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, और ये रेप से संबंधित है। बाबा का क्या नाम है? बाबा का नाम, बाबा जो रिपोर्ट में है, बाबा बालकनाथ नाम है, खेड़ी दंतुजला लक्ष्मणगढ़ में है। तो सुना आपने, कुछ इस तरह से ढोंगी बाबा बालकनाथ का पर्दाफाश हुआ है। अब पुलिस फिलहाल बाबा बालकनाथ को ढूंढ रही है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।